दांतों की हर बीमारी के लिए मेरठ का आधुनिकतम और उच्च तकनीक वाला क्लिनिक ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। आनंद डेंटल क्लिनिक A46 साकेत मूर्ति हॉस्पिटल चौराहा मेरठ। राष्ट्र हित के नाम पर देश के युवाओं को बर्बाद करने व बिना न्यायिक प्रक्रिया अपनाए एक वर्ग विशेष के मकानों पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगाते हुए आज रालोद व आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। इनके साथ ही ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के सदस्यों ने भी यह कहते हुए विरोध जताया कि देश के भविष्य, देश की आर्थिक नीतियों व देश की फौज के साथ खिलवाड़ करने का भाजपा सरकार काम कर रही है। नफरत फैलाकर मुख्य समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने में लगी हुई है भाजपा। सेना में 4 साल की भर्ती के लिए केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना का देश भर में व्यापक विरोध हो रहा है। बिहार राज्य से शुरू हुआ विरोध आंदोलन देश के कई राज्यों तक फैल गया है। कई जगह रेलगाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। अलीगढ़ में बस के साथ ही पुलिस चौकी को भी फूंक दिया गया। युवा इस योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आज युवाओं की सोच को आगे बढ़ाते हुए राजनीतिक दल भी खुलकर मैदान में आ गए। आज मेरठ कमिश्नरी चौक पर विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर रालोद की विधानसभा चुनाव प्रत्याशी रही मनीषा अहलावत ने यह कहा कि भाजपा नेताओं के बच्चे पहले अग्निवीर बने, फिर बाकी बच्चे बनेंगे। मैं कह रही हूँ बहुत अच्छी स्कीम है। भाजपा के सभी नेता 18 साल से अपने बच्चों को पहले एक एक करके वो भर्ती कराएं, फिर हमारे बच्चे आगे आएंगे, फिर किसानों के बच्चे आएंगे। इतनी अच्छी स्कीम है तो नेताओं के बच्चे क्यों नहीं आते? 4 साल की आपने जवानों की ये क्यों करी है संविदा पर? अफसरों को भी संविदा पे कर दीजिए, इन्हें कटने के लिए आगे भेजेंगे गरीबों के किसानों के बच्चों को, और अफसरशाही मौज करेगी? ये नहीं होगा। आपके नज़र से फ़ायदा उठाना होता है। RLD हमेशा गरीब मजलूम किसान मजदूर के साथ खड़ी है। जहाँ जहाँ सरकार इनके विपरीत काम करेगी, RLD पूरी मुस्तैदी के साथ वहाँ खड़ी मिलेगी आपको। मुद्दा चाहिए कहीं ना कहीं, सरकार मुद्दे दे रही है। क्यों दे रही है मुद्दे? ये विपक्ष ने करा है। ये कानून पास कौन कर रहा है? विपक्ष कर रहा है। विपक्ष को तो ये पूछ भी नहीं रहे। पार्लियामेंट्री कमेटी में इसका विमर्श किया इन्होंने? किसी पार्लियामेंट्री कमेटी में 3 साल से ये इन्होंने बना रखी है स्कीम, किसी पार्लियामेंट्री कमेटी में इन्होंने इसको डिस्कस किया? किसी विपक्ष के नेता को, किसी छात्र प्रतिनिधि को बुलाया? बुलाया तो बताएं कहाँ है वो मीटिंग के डिटेल। ये चोरी छुपे रातों रात कानून क्यों लाते हैं चोरों की तरह? तो क्या हम खड़े नहीं होंगे जनता के साथ? खत्म, ये वापस लेना पड़ेगा। जैसे इन्होंने किसान कानून वापस लिए, ये भी वापस लेने पड़ेंगे। युवाओं को सम्मान दो, सम्मान दो, सम्मान दो। सेना में ठेका प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। सेना में ठेका प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। होगा करना होगा, उनके शासन का पालन करना होगा, करना होगा, करना होगा। इस मौके पर यूनियन के नेता ने यह कहा, पिछले एक सप्ताह से हम लोग देख रहे हैं कि चाहे भारत का यूथ हो, उसके ऊपर प्रहार हो रहा है, उसके जो जीवन है उसके ऊपर प्रहार किया जा रहा है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जुमे के नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ था, उसके ऊपर जिस तरह से गैरकानूनी कार्रवाई की है, उसको लेकर साथ ही अधिवक्ताओं में काफ़ी बेचैनी और परेशानी थी। उनका ये मानना था कि यदि कोई दोषी है, उसके लिए पूरा का पूरा हमारे यहाँ सिस्टम बना हुआ है। पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, न्यायालय अपना काम करेगा, तब जाके सिद्ध होगा कि कौन है, कहाँ है, कौन दोषी है। लेकिन जिस तरह से इलाहाबाद में जावेद जो प्रोटेस्टर उनके द्वारा बताए जा रहे हैं, उनके मकान को रातों रात तोड़ दिया गया, तो उससे लगने लगा कि पूरे देश में शासन कानून का नहीं, दादागिरी का दौर है, हिटलर शाही का दौर है। और पता चला वो जावेद साहब का मकान भी नहीं है, वो उनकी बीवी के नाम है, और उनकी बीवी को भी ससुराल पक्ष से नहीं मिला, मायके पक्ष द्वारा गिफ्ट किया गया। और उसी पूरी की पूरी रो में बहुत सारे उन्होंने बताया कि हमने नोटिस दिया गैरकानूनी, किसी भी मकान का नक्शा पास नहीं है, लेकिन टारगेट करके जावेद के मकान को तोड़ा गया। तो उससे हमें लगा कि सरकार की नीयत गैर संवैधानिक और साफ नहीं है, और वो मुस्लिम समाज को टारगेट कर उन पर प्रहार कर, ये मानते हुए ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन को लगा कि हम लोगों को वकालत तो हम करते हैं, लेकिन ये अन्याय के खिलाफ हम लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे। उसी के तहत हम सारे लोग आज इकट्ठा हुए और यहाँ आकर अपना ज्ञापन दिया। और साथ ही जो भारत का नौजवान है,
जो पिछले 4 साल से जिसे कोई रोजगार नहीं मिला और बेरोजगारी आज चरम सीमा पर है, उनकी पूरी की पूरी नौकरी को ध्वस्त करने का काम किया। सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है। 4 साल में बच्चों को भगा दिया जाएगा। वे बच्चे भगाए नौकरी से रिटायर्ड नहीं होंगे, निष्कासित होंगे, क्योंकि 25% को योग्य माना जाएगा, 75% को अयोग्य मानते हुए आप बाहर करेंगे। उन्हें कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी, उनका कोई फ्यूचर नहीं बचेगा। तो हिंदुस्तान बर्बाद करने की इस समय साजिश चल रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।